बाबा धाम के करीब हैं, बाबा के करीब हैं, कैसा महसूस हो रहा है? केदार तक जाने का कुछ है व्यवस्था आपके पास? बचा है ये लीजिए इस बार, ठीक ना। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दुम्मा बॉर्डर से यहाँ से बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी शुरू हो जाती है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। यहाँ से शुरू करते हैं, देख रहे हैं कितने सारे दंडवत बम भी यहाँ पर विश्राम में हैं। और आज जो है दुम्मा बॉर्डर से चलते हैं और देखते हैं अभी के समय में किस प्रकार का नज़ारा है बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी का, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड था कि एक बार दुम्मा बॉर्डर से दिखाइएगा। तो देख रहे हैं दुम्मा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे जो है अपना काउंटिंग वाला जो काउंटर होता है वो तो सावन में किस प्रकार जो है सजा धजा रहता है, और आगे देखेंगे अभी के टाइम में कि किस प्रकार जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय कोई भी सजावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे बाबा धाम की नगरी में भीड़ तो भाई कभी कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है इस ऑफ सीजन में भी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का नज़ारा किस प्रकार रहता है। यहाँ पर देखिए काउंटिंग काउंटर, यहाँ पर सभी भक्तों की गिनती हो जाती है। और अभी देख रहे हैं किस प्रकार सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी का। यहाँ से बाबा धाम की जो दूरी है, बाबा मंदिर की जो दूरी है, वो तो दोस्तों यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। यानी कि बाबा धाम में हम सभी जो है आज डिजिटल यात्रा के माध्यम से प्रवेश कर ही चुके हैं। आगे देख रहे हैं एक भक्त जा रहे हैं कावर लेकर के, हर हर महादेव। आगे भी आज की वीडियो में लग रहा है कि जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में भक्त दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आगे भी लग रहे हैं कि बहुत सारे जा रहे हैं। बाबा की नगरी है, यहाँ से दूरी कम है, तो ज़रूर है अवश्य है कि जो है भक्त नज़र आएंगे इस आसपास के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे भक्त का दर्शन हो रहे हैं। वैसे जो है ग्रामीण क्षेत्र को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं चलते जा रहे हैं भक्त, लगातार देख रहे हैं 5-6 की संख्या में अब तक में दर्शन हो चुके हैं। और आगे और भी देखते हैं कितना हो पाता है, कितना संख्या में मिल पाता है। तो जितने भक्त जुड़े रहते हैं डिजिटल यात्रा के माध्यम से, सभी भक्तों की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो, मैया पार्वती की जय हो। भैया आदि शक्ति की जय ना हो तो भैया क्या हो सकता है जय इस संसार में, इसलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। और आगे देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भक्त रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, फिर जो है कांवर लेकर बाबा की नगरी, बाबा मंदिर की ओर बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए गाड़ी वाले भी इसी रूट से चलते हुए जा रहे हैं। अभी ऑफ सीजन में आप गाड़ी कहीं भी एंट्री ले सकते हैं गाड़ी को लेकर के, क्योंकि अभी तो पूरा पथ खाली रहता है, आराम से गाड़ी से भी जा सकते हैं इसी रूट से। पर कांवरिया भक्त अपने सुविधा के अनुसार जैसा होता है वैसा चल पड़ते हैं बाबा के नगरी की ओर। आगे भी देख रहे हैं भक्त मिलते जा रहे हैं, दर्शन होते जा रहे हैं और बढ़ते हैं। यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिलेंगे उस दंडवत यात्री से भी, उनसे भी बात हुई है, क्योंकि वो जो है वो भी बाबा धाम पहुँचने वाले हैं। उनकी यात्रा मात्र 5-6 किलोमीटर की रह गई है बाबा मंदिर की ओर। फिर वो बता रहे थे कि बासुकीनाथ भी जाएंगे, तो चलते हैं देखेंगे कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर उनका दर्शन हो पाता है। साथ में देखिए भाई, यहाँ से सावन जैसा भीड़ इस जगह पर दिखने लगा। देख रहे हैं भक्तों की जो भीड़ है बहुत ही ज्यादा दिख रहा है भाई, ऐसा तो सिर्फ सावन में ही नजर आता है। और यहाँ पर देखिए लंबी लाइन, बेशक कांवर ना हो लेकिन रथ यात्रा हो रही है, और सबका जल जो है गाड़ी में, पीछे गाड़ी में देखने को मिला, आगे भी जो है रथ में हो गए। यानी कि समझ सकते हैं, देख रहे हैं हरे राम राम धुन के साथ राम राम जपते हुए जा रहे हैं बाबा महादेव के पास। जहाँ राम है वहीं शिव है, जहाँ शिव है वहीं राम है, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे आगे की ओर, निकलेंगे इस भीड़ से। अचानक सोचे नहीं थे कि बाबा धाम में इतना भीड़ देखने को मिलेगा, लगातार देख रहे हैं मिलते ही जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। देख रहे हैं कांवरिया भक्तों की जो भीड़ है, यहाँ पर देखिए कार्तिक पूर्णिमा वाला जो भीड़ है किस प्रकार पहुँच चुके हैं बाबा धाम की ओर। बाबा मंदिर यहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे देख रहे हैं और भी भक्त नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ से देख रहे हैं बहुत ही जो है
खाली दिख रहा है बस। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कांवरिया पथ पर ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र ही है, और आगे ग्रामीणों का तो आना जाना भी इसी पथ पर रहता है, जैसे अक्सर हम बताया करते हैं। और आगे देखते हैं और कितने भक्त जो है बाबा वैद्यनाथ के इस स्वर्ग वाले रास्ते पे दर्शन होते हैं, क्योंकि भैया इस रास्ते पर बहुत कुछ है, यानी कहें तो सब कुछ इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है और सब कुछ है यहाँ पर। बस अपने मन की शक्ति से देखिए, अपनी श्रद्धा की शक्ति से देखिए, वरना तो ये एक नॉर्मल सा कच्चा रास्ता ही नज़र आएगा। वैसा मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि जो है ये नॉर्मल सा रास्ता है, नॉर्मल सा यात्रा तो होता ही है सावन में। पर जब मैं आध्यात्मिक रूप से इस रास्ते पे नहीं जुड़ा था, वो भाव यहाँ पर प्रकट नहीं होता था, उस वक्त सब कुछ साधारण लगता था कि यात्रा होती है तो हो रही है। लेकिन जब से जो है मन बाबा से जुड़ चुका है, तब से यहाँ पर एक अलग ही सहानुभूति के है भाव प्रकट होता है और बाबा से लगाव हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर बाबा ही दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस पथ पर सब कुछ है। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे जो है हमें ठनठनिया धर्मशाला, कलकतिया धर्मशाला सभी देखने को मिलते हैं इसी क्षेत्र में। और अभी देख रहे हैं भक्त जो है यहाँ पर भी लगातार एक दो की संख्या में मिलते ही जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो है पूर्णिमा में जाने वाले जो डाक बम है वो भी देख रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, हर हर महादेव। यहाँ पर देखिए 3 की संख्या में डाक बम देखने को मिले जो प्रत्येक पूर्णिमा को बाबा धाम जाते हैं। वैसे तो दोस्तों ये वीडियो जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन का ही है, आप तक हो सके थोड़ा लेट से पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है हम भी बिजी रह जाते हैं कभी कभी काम को लेकर के। और आगे देख रहे हैं यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए आगे यहाँ पर जो है ठनठनिया धर्मशाला इसी क्षेत्र में है। देख रहे हैं बाबू लोग क्या बात है, गाड़ी को देख के साइड भी नहीं होते। और ये देखिए यहाँ पर जो है ठनठनिया धर्मशाला है जो कि चालू रहता है भक्तों की सेवा में। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा अभी भी देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार कह सकते हैं, पथ तो खाली ही मिलेगा क्योंकि ये तो वो ऑफ सीजन है ना इसलिए। और ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो नावाडी का ग्रामीण क्षेत्र मिलता है, और ये जो है देवघर सुल्तानगंज का रेलवे ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, ये अंडरपास है रेलवे ब्रिज का। और आगे जो है और भी देखते हैं कितना दूर हमें दूरी को तय करना पड़ेगा कि जो है वो दंडवत यात्री मिलेंगे जिनको आप सभी भक्तों ने मिलकर सहयोग दिए थे। और भक्त जो है खुशी खुशी से जा रहे हैं बाबा के दरबार में। जब महादेव की कृपा हो, बाबा वैद्यनाथ की कृपा हो, तो भैया कुछ भी हो सकता है आपके पास, वो भी पॉजिटिव ही होगा, कोई निगेटिव होने नहीं देते महादेव। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा हमें कलकतिया का धर्मशाला, और कलकतिया से पार होंगे, कलकतिया से पार हो चुके हैं वो दंडवत यात्री, देखते हैं कहाँ तक मिलेंगे। और एक बार जो है एक झलक कलकतिया धर्मशाला के पास का नज़ारा आप सभी तक विजिट जरूर करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कलकतिया वाला। ये देखिए बोकारो इस्पात धर्मशाला यहाँ पर है जो कि बंद हो जाता है, और सावन में एक्टिव रहते हैं। और ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र का नज़ारा आप सभी तक जो पहुँच रहा है बाबा धाम के रास्ते में। जैसे ही दुम्मा बॉर्डर पार करते हैं तो भक्तों के मन में एक उमंग सा जग जाता है कि जो है अब तो बाबा के दरबार में पहुंच ही गए हैं, बाबा के पास पहुंच ही गए हैं, बेशक वहां से 10 किलोमीटर की यात्रा तय क्यों ना करना पड़े, मन में दूरी समाप्त हो जाती है। और ये देखिए बाएं साइड में ये रहा अपना कलकतिया धर्मशाला जो भक्तों की सेवा में सालों भर तैयार रहते हैं, अभी भी देख रहे हैं चालू है और भक्त अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बम जिसको तलाशते हैं, आज की वीडियो को यहाँ पर रुकते हैं और सीधा मिलेंगे वो दंडवत यात्री वाले बम जी के पास। चलते चलते यहाँ पर देख रहे हैं पहुँच चुके हैं आध्यात्मिक भवन के पास। और यात्रा कैसा चल रहा है अरे महादेव? हर हर महादेव। आज कितना दिन हो गया? आज 43 दिन हो गया बाबा। अच्छा तो बाबा धाम के बाद और आगे भी जाना है क्या? हाँ, फिर बाबा धाम तक जाएंगे। बासुकीनाथ जो है दंडवत ही जाना है? हाँ। क्या बात है, तब तो वहाँ पर भी आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। हाँ, 20 दिन 21 दिन। एक दिन में अभी कितना किलोमीटर चल देते हैं? वही 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा तो अभी भोलेनाथ का कृपा कैसा है? अभी तो एकदम बढ़िया से। अब बाबा धाम के करीब हैं, बाबा के करीब हैं, कैसा महसूस हो रहा है?
खूब बढ़िया मतलब तो बाबा दरबार छैताल जब आगे जाने पर बासुकी बाबा उधर जाएंगे, उसके बाद में सोचा जाएगा कि कैसे क्या होगा। अच्छा तो इस बार आप जो है बासुकीनाथ तक जाने का कुछ है व्यवस्था आपके पास? नहीं व्यवस्था है नहीं है, वैसा ठीक किए है जैसे आप किए वैसे आगे जो करके गए। अच्छा जो हाँ जो कल भेजे थे आपके पास, अच्छा वो सहयोग किए थे क्या? कुछ दिए थे दुगो अगरबत्ती लेके, उसके बाद बेचारा वो अपने बोले बाबा हमारे पास अभी उतना अथी नहीं है। अच्छा तो ये लीजिए इस बार ठीक ना। वैसे और कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। कुछ नहीं अब अगला में इस बार पहुंचने दीजिए जो आगे भेज दिए। अब जो है अगर हम आना चाहें तो बहुत मुश्किल से आ पाएंगे, कुछ कहना है तो अभी ही बता सकते हैं आप। वो बात का है जो जब बाबा का मन होगा तब। हाँ तो जब वो भेजेंगे तभी आ पाएंगे, ऐसे आना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ वो बात क्योंकि बहुत कम आ पाते हैं इधर। नंबर है ये है जो अथी होगा आपको करेंगे, आप कल फरमागे कीजिएगा बात कर, उतना टेंशन से हमको क्या आती है। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी जितने भी भक्त ने मिलकर आपको सहयोग किया सभी के नाम से एक बार अर्जी जरूर लगाइएगा बाबा के धाम में, क्योंकि बहुत सारा सहयोग मिला है आपको। वहीं से देख लिए थे अब लगाए नहीं लगाए बाबा, उसी दिन सबको आशीर्वाद दे दिए। अच्छा क्योंकि बहुत जो है ना बाबा का कृपा आपके ऊपर हो चुका है, बाबा ध्यान दे दिए है। हर हर महादेव, बाबा जब चाहेंगे फिर मिलेंगे दोबारा। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव, जय हो बाबा बासुकीनाथ।